नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप रख देना इस जगह पर एक रुपए का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना हो जाएगी, पूर्ण अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। वैसे एक साल में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, किंतु इन सभी में सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है तो वह कार्तिक पूर्णिमा को दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, कार्तिक पूर्णिमा सारी पूर्णिमाओं में सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, इसीलिए इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का अपने अपने में विशेष और खास महत्व होता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। और इस दिन यदि आप वेद पुराण के अनुसार 1 रुपए के सिक्के पूर्णिमा की रात उस जगह रख देंगे और वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में कई शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं शीघ्र के शीघ्र हो जाएंगे, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के पश्चात आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का उपाय करके आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो जानकारी के लिए बता दें, माता लक्ष्मी जी की पूजा को जब भी शुरू किया जाता है तो 1 रुपए के सिक्के को रख करके पूजा को शुरू किया जाता है। देखिए होता क्या है, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा शुरू की जाती है तो मुद्रा का जो भी पहला सिक्का होता है वह रख कर ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत शुभ बताया गया है। माना यह जाता है कि धन में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए माता लक्ष्मी जी की पूजा को हमेशा छोटे से मुद्रा से शुरू करना चाहिए। ऐसा यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति की पूजा शीघ्र सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा पाठ रखी जाती है, तो माता लक्ष्मी जी की पूजा में हमेशा 1 रुपए का सिक्का रख करके ही पूजा को शुरू किया जाता है। ऐसा करना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। और यदि आपने केवल आने वाली कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगी, और आपने सही मुहूर्त पर 1 रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के पश्चात शीघ्र ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में पूरे साल धन की वर्षा होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए 27 नवंबर 2023 कार्तिक पूर्णिमा के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके 1 रुपए के सिक्के के उस उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराण में बताया गया है, जो प्राचीन काल के समय के बहुत ही ताकतवर और अचूक उपाय है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएं, आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और यदि आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं,
वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, किंतु वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है धन में वृद्ध महाउपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन में वृद्धि हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी तिजोरी में जो भी रुपए पैसा रखा हुआ है उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी में जो भी रुपए आए उसमें बढ़ोतरी हो, तो दोस्तों ये छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको हम बताने रहे हैं। और इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, रुपए पैसे में अपने आप बढ़ोतरी होने, आपके बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगेगा। यदि आपने ये छोटा सा उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो ये बहुत छोटा सा उपाय है किंतु एक अचूक उपाय आपके जीवन में धन की वृद्धि जरूर करेगा। आपको केवल कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन शाम के वक्त एक पीतल की कटोरी लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर देना है, उसमें आपको एक रुपए का सिक्का डाल देना है। यह उपाय सूर्य के पश्चात आपको करना है। अब आपको इस कटोरी को अपनी छत पर ले जाकर के रख देना है। अगले दिन 28 तारीख को आपको नहाने धोने के पश्चात उस कटोरी को उठा करके लाना है, उस कटोरी से एक रुपए का सिक्का उठाना है और इसको लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी में, अपनी अलमारी में दक्षिण दिशा में रख देना है। यदि आपने इतना उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो यह सिक्का आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी का एक वरदान और आशीर्वाद बन जाएगा, जिसके पश्चात यह सिक्का आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगा। यह सिक्का लिए एक चुंबक की तरह काम करेगा, जिसके चलते आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि इस सिक्के पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह उपाय आपको इसी प्रकार से सही मुहूर्त पर करना है। और यकीन मानिए, आज के दिन भी कई करोड़पति व्यक्ति लोग जो हैं, वह प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह उपाय अवश्य करते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आती है। और यदि आपने यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से फिर आपके जीवन में धन की वृद्धि होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दूसरा उपाय है शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, यदि आपके जीवन आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, किंतु आपको उसका फल नहीं मिलता, आपके पास रुपए तो आता है किंतु बेफिजूल खर्ची में उड़ जाता है, तो इसकी मुख्य वजह क्या है? इसकी मुख्य वजह है कि आपका ग्रह बहुत कमजोर है। और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह कमजोर होता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन टिकता नहीं है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आपने एक रुपए के सिक्के का वह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो इतना केवल करने भर से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। और दूसरी तरफ इस उपाय को करने के पश्चात आपका शुक्र ग्रह सदैव आपका साथ देगा। आपको यह कार्तिक पूर्णिमा की शाम को करना है। शाम के वक्त आपको 2-1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है। इन दोनों सिक्कों को हाथ में पकड़िए, माता लक्ष्मी जी के सामने आपको एक घी का दीपक जलाना है और इन सिक्कों को हाथ में पकड़ने के पश्चात माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम। इस बीज मंत्र का जाप केवल 11 बार आपको करना है। इन सब दोनों सिक्कों में एक सिक्का आपको अपने पर्स में हमेशा के लिए रखना होगा, दूसरे सिक्के को अपनी तिजोरी में, अलमारी में पूर्व दिशा में रख देना है। लाल कपड़े में लपेटने के पश्चात यह छोटा सा उपाय यदि आपने कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर लिया, तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बनी रहेगी, जिसके पश्चात हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा, क्योंकि शुक्र का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, ये दोनों सिक्के जिनको अपने हाथ में पकड़ा था माता लक्ष्मी जी के सामने, ये दोनों सिक्के अभिमंत्रित हो चुके हैं और ये सिक्के आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको इस प्रकार से दिला देंगे, जिसके पश्चात आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची खत्म हो जाएगी और धन संबंधित आप जो भी निर्णय लेंगे
इस उपाय को करने के पश्चात उस निर्णय से केवल को फायदा पहुंचेगा। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में इतना धन हो जिसके पश्चात आपको धन की कमी ना हो, माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आपके जीवन में इतना धन की वृद्धि हो जाए जिसके पश्चात आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करें, तो बस एक छोटा सा उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना है। कार्तिक पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात बस एक काम कीजिएगा कि नहा लीजिएगा, लाल कपड़े पहन लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। आपके घर का पूजा घर, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कोई भी प्रतिमा रखी है वहां पर जाकर आपको बैठ जाना है। एक घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा बिछाना है। आपको इस लाल कपड़े पर 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया, 3 लौंग आपको रखना है। हम फिर से रिपीट कर देना दोस्तों, 1 रुपए का सिक्का, 1 मुट्ठी धनिया और 3 लौंग आपको एक लाल कपड़े पर रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। इस पोटली को अपने हाथ में पकड़िए और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। 11 नंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है, बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इतना करने के पश्चात इस पोटली को अपनी अलमारी के दक्षिण दिशा में आपको रख देना है। केवल इतना उपाय आपको कार्तिक पूर्णिमा के सूर्यास्त के पश्चात करना होगा। यह पोटली जैसे ही आप अपने तिजोरी में रख देंगे या अलमारी में रख देंगे, ये पोटली आपके एक चुंबक बन जाएगी जो धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली अभिमंत्रित होने के कारण माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद आपके लिए बन जाएगी जिसके पश्चात आपके जीवन की आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।